नमस्कार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आप सभी का हार्दिक अभिवादन। कुपोषण के विरुद्ध सूचना, शिक्षा और संप्रेषण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हम अनुरोध करते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी तथा सभी मंचस्थ गणमान्य महानुभावों से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर विधिवत समारोह का शुभारंभ करें। अब हम अनुरोध करते हैं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्रीमती कृष्णा तीरथ से कि कृपया माननीय राष्ट्रपति जी का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन करें। मिकेन वर्ल्डवाइड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सजग लेखक श्री प्रसून जोशी से हम अनुरोध करते हैं कृपया सभी को संबोधित करें। ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, डॉक्टर पल्लम राजू जी एचआरडी, ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कृष्णा तीरथ जी, प्रेम नारायण जी, लुइस साहब, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सरपंच, आशा कार्यकर्ता जो भी यहाँ हैं, और महान अभिनेता और मेरे परम मित्र आमिर खान जी, ये कैंपेन की जो प्रेरणा है उसके लिए मैं आपको कुछ शब्द सुनाना चाहता हूँ। पहले, गुमसुम हो अगर फूल तो चिंता की बात है, गुमसुम हो अगर फूल तो चिंता की बात है, थक जाए अगर गीत तो चिंता की बात है, किलकारियों में दर्द हो चिंता की बात है, बचपन अगर खामोश हो चिंता की बात है, मौसम को मिलकर मनाना ही होगा, नए कल का चेहरा धुलाना ही होगा, रौनक अगर चुपचाप हो चिंता की बात है, लौ में अगर ताप हो चिंता की बात है, रौनक अगर चुपचाप हो चिंता की बात है, लौ में अगर ताप हो चिंता की बात है, चिड़िया जो चहक पाए ना चिंता की बात है, घर धूप गुनगुनाए ना चिंता की बात है, मौसम को मिलकर मनाना ही होगा, नए कल का चेहरा धुलाना ही होगा, अंकुर अगर उदास है चिंता की बात है, अंकुर अगर उदास है चिंता की बात है, पौधों में अगर प्यास है चिंता की बात है, क्यारी में लाचारी है घर चिंता की बात है, क्यारी में लाचारी है घर चिंता की बात है, ये सिलसिला जारी है तो चिंता की बात है, मौसम को मिलकर मनाना ही होगा, नए कल का चेहरा धुलाना ही होगा, बाती में अगर डर है तो चिंता की बात है, बाती में अगर डर है तो चिंता की बात है, नहीं रोशनी निडर है तो चिंता की बात है, लंबी है अगर रात तो चिंता की बात है मौन गर प्रभात तो चिंता की बात है, मौसम को मिलकर मनाना ही होगा, नए कल का चेहरा धुलाना ही होगा, कुछ नन्नी नन्नी आंखें हमसे पूछ रही हैं, तुमको तो सब पता है फिर क्या सोच रहे हो, कुछ नन्नी नन्नी आंखें हमसे पूछ रही हैं, तुमको तो सब पता है फिर क्या सोच रहे हो, बादल बनो ना और बरस जाओ जमीन पर, क्यों बर्फ बने हो तमाशा देख रहे हो, मौसम को मिलके मनाना ही होगा, नए कल का चेहरा धुलाना ही होगा। ये मेरा भावोद्गार था जो इस कैंपेन के रूप में आपको आपके समक्ष सारी टीम ने प्रस्तुत किया है। हमें जब ये चुनौती दी गई और कुछ लोग इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आमिर साहब का, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ और ऐसी कोई भी सामाजिक समस्या जिससे उनका सारोकार होता है, वो कई बार मुझे ये गौरव देते हैं कि मुझे उसका हिस्सा बना लेते हैं, तो उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। इसके अलावा सिटीज़न अलायंस के नीरजा जी, उन्होंने जिस तरह से इस
पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया है। इसको आंदोलन हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने इसको एक नारा भी दिया है और वो नारा है कुपोषण भारत छोड़ो, और ये नारा हम इस पूरे कैंपेन के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री रंजन जी जो अथक प्रयास करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, उनका नाम भी जरूर लेना चाहूँगा, मैं उल्लेख करना बहुत जरूरी है। यूनिसेफ के कार्यकर्ताओं का, गीतांजलि और उनकी टीम का, कैरन का, जिन्होंने इनमें बहुत साथ दिया हमारा। और ये कैंपेन इसका कोई इसलिए ये कैंपेन मेरे जीवन का सबसे मुश्किल कैंपेन रहा है, क्योंकि पोलियो की जैसी एक समस्या होती है उसमें आप चार ड्रॉप का एक सोल्यूशन दे देते हैं कि दो बूंद जिंदगी कह के, कि उसका एक 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 डेफिनेट आंसर है आपके पास, पर यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है। यहाँ भ्रांतियाँ हैं, यहाँ एक माहौल तैयार करना है। यहाँ पे कुपोषण एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ जी रही है पर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के प्रति एक सजगता लाने की आवश्यकता, ये पूरा काम जो है इस सारी टीम ने मिलकर किया है, और मुझे आशा है कि ये कैंपेन जब आगे जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो ये उतना ही प्रभावी सिद्ध होगा जितना हम समझते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे जो लोग जुड़े हैं, और कुछ तस्वीरें हैं जो इस कैंपेन के दौरान हमने काम करते हुए ली थी, उनका एक हल्की सी झांकी अगर देख लें तो बहुत होगा। धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते बच्चे, हमारे देश का आने वाला कल, जिनके दम पर देश ने देखे हैं कई सपने, पर शायद ये सपने अधूरे ही रह जाएं, क्योंकि एक दुश्मन इन सपनों के पंख कतर रहा है। वो दुश्मन है कुपोषण। ये शब्द हमने भी सुना था, पर कुपोषण के खिलाफ इस अभियान से जब हम जुड़े तो हमें भी अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी समस्या है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर जब हमने इस मीडिया कैंपेन पे काम करना शुरू किया तो हमने पाया कि कुपोषण का न तो कोई एक चेहरा है और न ही कोई एक लक्षण। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, पर हमारे सामने ये मौका भी था समाज और देश में वास्तविक बदलाव लाने का। यूनिसेफ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर मैकेन ने इस समस्या की बारीकियों को समझना शुरू किया। आमिर अभियान के हर चरण में सक्रिय रूप से भागीदार रहे। क्योंकि यह दुश्मन साधारण नहीं था, इसलिए इसके खिलाफ एक विज्ञापन की नहीं, एक अभियान की जरूरत थी, एक क्रांति की जरूरत थी जिसमें हर नागरिक हिस्सा ले। इसीलिए इस अभियान को हमने एक नारा दिया। चार चरणों वाले इस अभियान के हर चरण में इस समस्या से जुड़े हर जरूरी मुद्दे को उठाया। सबसे बड़ी चुनौती थी इस जटिल समस्या को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना। इस चुनौती ने जन्म दिया उन चार बातों को जो इस समस्या से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़े देश के बेहतरीन फिल्म मेकर, म्यूजिक डायरेक्टर, फोटोग्राफर्स, रेडियो प्रोड्यूसर्स और अन्य सहयोगी। इस अभियान में बनी 40 से ज्यादा फिल्में, रेडियो स्पॉट्स और हर मुद्दे को छूते कई प्रेस एड्स। ये कैंपेन बनाया गया 18 भाषाओं में ताकि देश के हर एक कोने तक ये संदेश पहुंच पाए और कुपोषण के खिलाफ पूरा देश मिलकर साथ खड़ा हो। आज कुपोषण के खिलाफ देश का यह अभियान शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर देश के हर एक बच्चे के चेहरे की मुस्कान संजो पाएंगे।